जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे, आज की वीडियो में, यदि किसी भी किसान भाई के, या मान लीजिए जिसके नाम कोई खेती की ज़मीन है, अगर उसके खेती के डॉक्यूमेंट्स, रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी कहते हैं, खतौनी, या उसके नक्शा में किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है, अब गलती कई प्रकार की होती है वो आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत हो जाता है, आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई अक्षर मान लीजिए गलत हो जाता है, आपके पिता का नाम गलत हो जाता है, या मान लीजिए कई बार जो खातेदारक है उसका नाम ही हटा दिया जाता है, भूल से हट जाता है, या आपका भी नाम है लेकिन आपकी ज़मीन पर गलती से किसी और दूसरे व्यक्ति का भी नाम आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है अधिकार अभिलेख, यानी कि ऐसी कंडीशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें संशोधन कैसे करवाएं, आप कैसे सुधार करवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, सेक्शन 32-38 के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और है, नक्शा संशोधन के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इस जो 32-38 होता है इसमें नक्शा संशोधन भी हो सकता है। नक्शा संशोधन में कब आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए चकबंदी हुई और मान लीजिए आपका नक्शा जो है वो कम बना दीजिए, आपका मान लीजिए खेत है 5 बीघा लेकिन नक्शा में 4 ही बीघा है, तो ऐसे में नक्शा संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात करेंगे सभी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए जो दावा है वो सेक्शन 32-38 में डाला जाता है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये गलती किसान नहीं करते, ये गलती करते हैं रेवेन्यू कर्मचारी, लेकिन इसका खामियाजा जो है किसान को भुगतना पड़ता है। जो भी काश्तकार है जिसके नाम ज़मीन है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी सज़ा मिलती है। और अब बात करेंगे कि भाई कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या पैसा खर्च होगा, वो आप सब जान लीजिए। इसके बाद जब भी मान लीजिए आपकी खतौनी में नाम गलत, इस प्रकार की कोई भी गलती होती है, तो आप जाएंगे तहसील, और तहसील से आप एडवोकेट जो हैं वो सेक्शन 32-38 या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 32-38 में जो है वो दावा करते हैं। दावा कुछ इस प्रकार होगा, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार वाद संख्या और जो आपका सेक्शन है वो 32-38 और आपका नाम बनाम, इसके बाद पूरा आप जो है प्रे करेंगे कि भाई फलाना घाटा संख्या में हमारा नाम गलत कर दिया गया है लेकिन पिछली खतौनी में हमारा नाम सही था, या मान लीजिए किसी का नाम गलत दर्ज कर दिया है तो उसके लिए प्रे करेंगे कि ये व्यक्ति गलत रूप से आ गया है, पिछली खतौनी में नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा दावा तैयार करेंगे। दावा तैयार करने के बाद अब दावे में लगेगा क्या क्या वो आप जान लीजिए। उसमें लगेगी खतौनी, वर्तमान खतौनी। अब वर्तमान खतौनी में जैसे आपका नाम गलत हुआ है तो वो यानी कि वर्तमान खतौनी लगना अनिवार्य है। अब जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत हो गया तो वर्तमान खतौनी लगेगी, और इससे पहले तो आपका नाम सही होगा तो पिछली खतौनी लगेगी। अब सवाल आता है पिछली खतौनी कहाँ मिलेगी, तो देखिए पिछली खतौनी या तो तहसीलदार जो तहसील में रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ से मिल जाएगी, अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जिला अभिलेखागार होता है वहाँ से आपको पिछली खतौनी मिल जाएगी। अब पिछली खतौनी आपको इसलिए लगानी क्योंकि भाई पिछली खतौनी पे आपका नाम सही होगा, जब नई खतौनी बनी है तभी तो आपका नाम गलत हुआ है, तो आपको पिछली खतौनी लगानी है, वर्तमान खतौनी लगानी है, दोनों ही आपको खतौनी लगानी पड़ेंगी, और इसके बाद पूरा आपको दावा तैयार करना है। दावा तैयार करने के बाद सबसे पहले जाएगा तहसीलदार, तहसीलदार आदेश करेंगे जो कानूनगो हैं, कानूनगो के लिए और लेखपाल के लिए, ये आदेश करेंगे कि भाई आख्या दीजिए। आख्या क्या दीजिए, क्योंकि भाई लेखपाल कानूनगो इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। अब लेखपाल कानूनगो आपके मौजे के, आपके क्षेत्र के होंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे तहसील के दूसरे हों, आपके क्षेत्र के, क्योंकि उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड होगा, तो वे ये आख्या देंगे कि इस व्यक्ति ने जो दावा किया है वो सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि घाटा संख्या 100 पे हमारा पिताजी का नाम गलत हो गया, ये सही किया जावे, जो कि पिछली खतौनी में सही था, तो भाई वर्तमान की खतौनी लगाएंगे जिसमें गलत हुआ है, पिछली खतौनी लगाएंगे जिसमें सही हुआ है। अब जो आपने खतौनी दी है वो लेखपाल कानून वो भी चेक करेंगे कि भाई उनके रजिस्टर जो भी मान लीजिए उनके पास रिकॉर्ड है उसमें सही है कि नहीं, आपने जो मान लीजिए दावा किया है वो सही कि नहीं, तो वो अपनी आख्या देंगे। अब आख्या में क्या होता है, वैसे इसमें समय है 30 दिन का, लेकिन वो लगा लेते हैं 2-2, 3-3 महीने, और लेखपाल कानून को इतने घूसखोर होते हैं कि वो बिना रिश्वत लिए आख्या लगाते ही नहीं, 98% जो बात है बिल्कुल सही है कि लेखपाल और कानून को बिना घूस के, बिना रिश्वत, इतने रिश्वत खोर होते हैं कि बिना रिश्वत के लिए कोई काम ही नहीं करते, तो रिश्वत लेके वो आख्या लगाएंगे, आख्या जाएगी तहसीलदार के पास, और 95% जो है वो तहसीलदार भी रिश्वत लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आज तक मैंने जो भी देखा है आज तक 95% तहसीलदारों ने रिश्वत ली है,
चुपके से रिश्वत। आज आजकल जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि तहसीलदार आदेश करेंगे, राजस्व अधिकारी जो मान लीजिए कानून को होते हैं और लेखपाल दोनों को आख्या मांगेंगे। अब आख्या हम वो लिख के देंगे, आख्या लिखने के बाद तहसीलदार मान लीजिए उस पर जो है पूरा अपना लिख के और उपजिलाधिकारी को देंगे, आख्या स्वीकार करेंगे और आदेश लिखेंगे और वो देंगे उपजिलाधिकारी को। अब उपजिलाधिकारी को संशोधन करने का अधिकार होता है। अब उपजिलाधिकारी क्या करेंगे वो समझ लीजिए। उपजिलाधिकारी है, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 100 पे आपका नाम ए है, बी सी और है, ठीक है, मान लीजिए कोई अमुक व्यक्ति बी है, सी है, डी है, तीन व्यक्ति और हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए आपने अपने नाम गलती संशोधन चाहा है, या मान लीजिए आपने चाहा है कि मान लीजिए किसी एक्स व्यक्ति का नाम गलती से आ गया है, तो उस एक्स व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा नाम हटाने के लिए, और साथ में उन सबको नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि भाई मान लीजिए वो भी तो सह खाते धारक हैं, उन्हें भी तो इस बात की सूचना दी जाएगी, तो सबको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद अब जैसे मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति आपके जमीन में आ गया गलती से नाम दर्ज हो गया, तो समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर आपका नाम गलती से आ गया है तो आप आपत्ति मत करें, आप अगर नोटिस तामील कर लें और नोटिस तामील के बाद आप जवाब दे दें कि हमारा गलती से आया गया है और हटा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, तो वो बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए आप केस भी लड़ जाते हैं तो भी कुछ नहीं होगा उससे, क्योंकि आपको साक्ष्य मांगे जाएंगे कि आपका नाम आ कैसे गया, आप इस जमीन के अधिकारी बन कैसे गए, तो आपके पास बैनामा तो होगा नहीं, रजिस्ट्री तो होगा नहीं, ना पट्टा होगा, तो आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, तो आपको हारना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति के भी बुरे हो जाएंगे जिस व्यक्ति को आप फालतू में दूसरे व्यक्ति को परेशान करेंगे। तो यदि मान लीजिए आपका नाम गलती से किसी की भूमि पर चढ़ जाता है, या मान लीजिए कई बार ये होता है कि किसी ने एक बीघा जमीन बेची और 5 बीघा धोखे से जमीन चढ़ गई, तो ऐसी कंडीशन में जिसके साथ गलत हुआ है या जिसका नाम जमीन पर चढ़ गया है उसे उसका साथ देना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि उपजिलाधिकारी जो है वो सभी को नोटिस देंगे, नोटिस में जो भी आपत्ति होंगी वो स्वीकार करना न करना उस पर डिसीजन लेना उनका अधिकार है, और इसके बाद वो संशोधन कर सकेंगे। तो हमने आपको बताया कि संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, और धारा 32/38 जो है उनकी पूरी प्रक्रिया मैंने बताई है, भरसक हर संभव प्रयास किया है कि आपको सब कुछ बता दें, लेकिन मैं निश्चित जानता हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें मिस रह गई हों, नहीं बता पाई हों हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, या मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हमसे तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाद बाकी अगर मान लीजिए आपका कोई किसी प्रकार का मैटर है तो आप कमेंट में अवश्य करें, अगला टॉपिक जो है उससे रिलेटेड हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।